हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने इसके पहले के लेक्चर को देखा होगा और आप लोगों ने उस लेक्चर से नोट्स भी तैयार किया होगा। जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी उन चीज़ों को आपने बढ़िया से स्टडी किया होगा। और आज के इस लेक्चर के बाद मैं हर एक टॉपिक के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, और जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उन क्वेश्चंस का सलूशन मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने दो तरीके देखे थे जिनके द्वारा हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। तो पहला जो था वो कि रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन होंगे, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी देखा था कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन होते हैं तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है RS, ये इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, और अगर मान लो कि N रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो प्लस IN तक। दूसरा जो वे था रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि 1/R दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हम लोगों ने देखा था कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर कंबाइंड पैरेलल। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर केवल दो ही रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल कंबाइन हो रहे हैं तो 1/RP दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 / R1 R2 या RP यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस, तो R1 R2 / R1 R2। ये इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी, लास्ट लेक्चर में इतनी चीजें हो गई। आज हम लोग एक नया टर्म स्टार्ट करेंगे जो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। तो स्टूडेंट, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी कभी जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो यूज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है। जब करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो खर्च होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो जब खर्च होती है इसका मतलब कुछ वर्क डन होता है, क्योंकि जब एनर्जी कंज्यूम होगी तो वर्क डन होगा, और वर्क डन जो होता है वो कंज्यूम्ड एनर्जी के बराबर होता है। कभी भी कोई भी अप्लायंसेस जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उतना ही वर्क डन करता है, या जितना वर्क डन होता है उतनी ही एनर्जी खर्च होती है। तो पावर क्या चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी अप्लायंसेस के द्वारा जो वर्क डन की रेट होती है, कितना काम वो यूनिट टाइम में कर सकता है या कितनी एनर्जी जो है वो यूनिट टाइम में वो कंज्यूम कर सकता है, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। और हर एक इंस्ट्रूमेंट की, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अपनी एक पावर रेटिंग होती है कि इतने वोल्टेज पर इतनी एनर्जी ये कंज्यूम करता है। तो जितने वोल्टेज पर जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है वो कंज्यूम्ड एनर्जी पर सेकेंड होती है, यानी यूनिट टाइम में होती है, और वही उसका पावर कहलाता है। तो पावर किसे कहते हैं, पावर क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो है क्या चीज है, कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज है, कि एकांत समय में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितना वर्क डन करता है, या इसी को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम करता है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है,
क्या कैसे कर सकते हैं कि द रेट एट विच वर्क इज डन, द रेट एट विच वर्क इज डन, द रेट एट विच वर्क इज डन बाई एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की एक और डेफिनेशन है कि रेट एट विच वर्क इज डन किसके द्वारा, एक इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, या इसी को हम लोग ये भी कहते हैं, एक और डेफिनेशन हो सकती है क्या, कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम और डिसिपेटेड Dissipated is called electric power. Yani, the rate at which electric energy consumed unit time में कितनी electrical energy consume होती है, तो unit time मतलब 1 second. 1 second में जितनी electrical energy consume होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला सेट करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कितना हो जाएगा, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या पावर को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो P इक्वल टू W by T, P इक्वल टू कितना, W by T। अब इसकी अगर हम लोग यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ P दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ W अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यानी वर्क की यूनिट कितनी होती है जूल, अपॉन टाइम की यूनिट कितनी होगी सेकेंड, तो यही हो जाएगा जूल पर सेकेंड। जो पावर की यूनिट होती है ये जूल पर सेकेंड होती है, और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 joule per second इज नोन एज वॉट, इसी को हम लोग वॉट कहते हैं। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की वो क्या चीज है, वॉट है। हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को वॉट में नापते हैं। तो द पावर ऑफ 1 watt इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 joule per second। 1 watt पावर का मतलब क्या होता है, तो द पावर ऑफ 1 watt Power of 1 watt is the rate of working 1 joule per second। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो 1 joule वर्क करता है 1 second में, 1 joule अगर वर्क करता है 1 second में, तो उसका पावर जो होगा वो 1 watt पावर होता है, उसके पावर को हम लोग क्या कहेंगे, 1 watt। When an electrical appliances work 1 joule in 1 second, that is known as 1 watt, उसी को हम 1 watt कहते हैं या 1 watt कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि वर्क डन कितना होता है, मान लेते हैं कि अगर मान लो कि I करंट जो है वो फ्लो
सर्किट के अंदर, तो लेट करंट आई फ्लोज थ्रू अ सर्किट, लेट करंट आई फ्लोज थ्रू अ सर्किट एट पोटेंशियल वी फॉर टाइम टी। अगर मान लो कि किसी भी सर्किट के अंदर आई करंट जो है वो फ्लो करता है और उस सर्किट का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल वी वोल्ट का है, अगर ये वी वोल्ट के पोटेंशियल पर आई करंट फ्लो होता है कितने के लिए, टाइम टी के लिए यानी टी टाइम तक, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू वी आई टी। वर्क डन किसके बराबर हो जाता है, वी आई टी के बराबर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पी इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू बाई टी, और वर्क डन हमको कितना मिल गया, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आई टी अपॉन टी, और टी से टी कैंसिल, तो हमको एक और फॉर्मूला मिल गया, पी इक्वल टू वी आई, यानी पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। पावर जो होता है वो पोटेंशियल और करंट के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, कोई इसमें जो है वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर इनमें से एक एक चीज की हम वैल्यू रखें, कैसे, देखो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के लॉ के अकॉर्डिंग V equal to कितना होता है, IR। अगर ohms के law के according V equal to IR होता है, तो then we can put this value in this equation। तो P equal to कितना है, VI, V equal to कितना है, IR into I, that is equal to I square R। तो P का एक और formula हम लोगों को मिल गया, I square R। P equal to I square R, एक और फॉर्मूला। फिर इसी तरह से हम लोग रख सकते हैं कि I equal to कितना होता है, I equal to V upon R from Ohm's law, from Ohm's law I equal to V upon R। अगर I equal to V upon R है तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि P equal to है VI और I equal to है V upon R, तो V P equal to कितना हो जाएगा, V into V upon R, that is equal to कितना, V square upon R, यानी पावर की एक और फॉर्मूला मिल गई, P equal to V square upon R। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं आपके पास, एक तो है आपके पास P equal to W by T, दूसरा है P equal to VI, तीसरा है P equal to I square R, और एक और मिल गया आपको P equal to V square upon R। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों के द्वारा हम लोग जो वर्क डन का रेट है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला P equal to W by T, दूसरा फॉर्मूला मिला P equal to V I T upon T, तो ये कैंसिल हो गया T से T, तो आपको मिल गया कितना, V I, दूसरा फॉर्मूला मिल गया। तीसरा आपको मिल गया क्या, P equal to I square into R, तीसरा मिल गया, और चौथा मिल गया P equal to V square upon R। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम लोग पावर कैलकुलेट करने में करते हैं। तो पावर आपको पता चल गया कि वर्क डन अपॉन कितना होता है, टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक पावर को हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रेट है जिस पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, और जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है 1 जूल पर सेकंड के रेट से, तो उसका पावर 1 वाट कहलाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी।
आप लोग ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, इन सारे फॉर्मूले का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलों के द्वारा। इसलिए आप लोग ये फॉर्मूले नोट रखिए और इन फॉर्मूलों के द्वारा न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए अभी हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक पावर का जो हम लोगों ने यूनिट निकाला, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, और ये था क्या वॉट, वॉट, वॉट जो है वो एक बहुत छोटी यूनिट है, इससे भी बड़ी यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट, और 1 किलो वॉट दैट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट, या इसी को हम लिखते हैं 10 to the power 3 वॉट। एक और जिसके द्वारा हम लोग मैकेनिकल पावर नापते हैं, मैकेनिकल पावर को हम लोग नापते हैं किससे, हॉर्स पावर से, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर या 1 HP दैट इज इक्वल टू 746 वॉट होता है, 746 वॉट। तो दिस इज अदर यूनिट टू मेजर द मैकेनिकल पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो 1 हॉर्स पावर यानी हॉर्स पावर जिसको अश्व शक्ति कहते हैं, ये 746 वॉट का होता है। तो हम लोग अगर मैकेनिकल पावर नापना होता है तो हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी यूनिट्स और यूनिट कन्वर्जन आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, P इक्वल टू W बाई T, W क्या है, वर्क डन बाय द करंट, करंट के द्वारा किया गया कार्य W है। हम लोग ये भी जानते हैं कि वर्क डन दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होती है उसके बराबर होता है, यानी वर्क डन W इक्वल टू E। अगर W इक्वल टू E है तो P इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, E बाई T। अगर P इक्वल टू E बाई T लिख सकते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड जो है, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T। ये हो जाएगा कैलकुलेट, कैलकुलेशंस ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, तो कंज्यूम्ड एनर्जी दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। जो कंज्यूम्ड एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो पावर के द्वारा, जो पावर रेटिंग है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितने देर तक काम कर रहा है, कितने समय तक वो काम करता है, इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पावर इनटू टाइम होता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किसमें नापते हैं, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जो होती है वो है पावर की यूनिट और टाइम की यूनिट। तो इसको हम लोग लिखते हैं किलो
वॉट आवर, किलो वॉट आवर, या शॉर्टकट में लिखते हैं KWH, किलो वॉट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किलो वॉट आवर में नापते हैं। किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि किलो वॉट आवर का मतलब हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसकी पावर रेटिंग 1 किलो वॉट हो, वो 1 आवर तक कंटिन्यू वर्क करता है। अगर 1 आवर तक कंटिन्यू वर्क करता है तो उसके द्वारा जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो 1 किलो वॉट आवर होगी। यानी अगर 1 किलो वॉट का एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगातार 1 घंटे तक चलता है तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो 1 किलो वॉट आवर होगी। और 1 किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट। इसी को हम लोग 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि 1 किलो वॉट और 1000 वॉट पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क फॉर 1 आवर, देन द कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 1 किलो वॉट आवर। तो अगर 1 किलो वॉट या 1000 वॉट पावर रेटिंग का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे तक काम करता है तो उसके द्वारा जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो 1 किलो वॉट आवर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि 100 वॉट के 10 बल्ब, 100 वॉट के 10 बल्ब्स, 10 बल्ब्स वर्क फॉर 1 आवर, अगर ये 1 घंटे तक लगातार जलते हैं तो एनर्जी कंज्यूम्ड दैट विल बी इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। क्योंकि 100 वॉट के 10 बल्ब मतलब क्या हुआ कि 100 × 10 दैट इज इक्वल टू कितना, 1000 वॉट। यानी 1000 वॉट जो है वो 1 आवर तक अगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ऐसे में इनके द्वारा जो कंज्यूम एनर्जी होगी वो 1 किलो वॉट आवर होती है। आइए, पावर रेटिंग किसे कहते हैं? पावर रेटिंग, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा बिजली के बल्ब वगैरह पे, या आपने CFL पे देखा होगा, या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि इन अप्लायंसेस पे ऐसे लिखा रहता है 100 वॉट, 100W 220 वोल्ट, इस तरह से लिखा रहता है। तो ये इसकी पावर रेटिंग कहलाती है, इसकी ये पावर रेटिंग कहलाती है। मतलब क्या हुआ, आप कहते हैं कि 100 वॉट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, या इस तरह से लिखा रहता है 6 वॉट, 220 वोल्ट, मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर, इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर ये 100 जूल पर सेकंड के रेट से एनर्जी कंज्यूम करता है। इस पावर रेटिंग का मतलब यही होता है कि 100 वॉट का मतलब हुआ 100 जूल पर सेकंड, जिस पे 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर, यही इसकी पावर रेटिंग कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 वॉट का मतलब हुआ 60 जूल पर सेकंड एट 220 वोल्ट पोटेंशियल। जब 220 वोल्ट का पोटेंशियल होगा तो जो 60 वॉट का बल्ब होगा वो 60 जूल पर सेकंड के रेट से एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो इसी को हम लोग पावर रेटिंग कहते हैं। और अब इतनी सारी चीजों के द्वारा, इन सारे फॉर्मूलों के द्वारा आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जिसमें आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो मिलेंगे और वो इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर होंगे।
एक चीज और कि जो ये 1 किलोवाट आवर है दैट इज आल्सो नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, और 1 किलोवाट आवर को हम लोग जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो ये एनर्जी है इसको हम लोग जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, किलोवाट आवर और जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये चीज आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी है, फिर एक बार देख लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर इसका मतलब हुआ कि 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1000 वाट फॉर 60 मिनट, 1000 वाट फॉर 60 मिनट, या आप इसी को लिख सकते हो 1000 वाट फॉर 60 into 60 सेकंड, आप इसी को लिख सकते हो कि 1000 वाट फॉर 3600 सेकंड, तो 1000 वाट 3600 सेकंड के लिए, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 3600 सेकंड, अब 1 किलोवाट आवर कितना हो गया टोटल, तो 1 kWh दैट विल बी इक्वल टू 1000 into 3600 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 36, 20 यहां और 30 यहां, इतना जूल पर सेकंड हो गया। आप इसको लिख सकते हो 3.6 × 10⁶ जूल पर सेकंड, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल पर सेकंड के बराबर होता है, या आप सीधे सीधे कह सकते हो कि ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, तो सेकंड को हम लोग चूंकि ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व कर चुके हैं इसलिए सेकंड ना लिखा जाए, तो इतने इतने जूल के बराबर होता है इतना 1 किलोवाट आवर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, किलोवाट आवर और जूल के बीच में यह रिलेशन होता है। तो अब तो आप लोग अभी सारे फॉर्मूले की स्टडी करिएगा, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहाँ पे इस लेक्चर को फिनिश किया जाता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना हाल अच्छे से दो ना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी केयर।